हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसके लिए आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं भी इस आईपीओ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, भवेजा स्टूडियोज का। लेकिन जब से ये आईपीओ आया है उसके बाद जब इस आईपीओ को स्टडी किया गया तो वहां पर इन्होंने परेशान भी कर दिया, और ऐसा क्यों हुआ वो सब कुछ हम इस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं, देखो अभी कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं है, फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट अगर मैं आज के टाइम पर बात करूं तो डिफेंसिव होकर तो हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते ही नहीं है जो एसएमई होता है, और उसी के साथ अगर हम अग्रेसिव होकर बात करें तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। और ऐसा क्यों है वो आपको पता लग जाएगा इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में जब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर बात करूँ तो वहां पर मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूँ, बट अभी फाइनल नहीं है। किस तरीके से वहां पर मार्केट का मूड माहौल रहता है, किस तरीके से डिमांड आती है, किस तरीके से HNI की सब्सक्रिप्शन हमें वहां पर देखने को मिलती है, उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए जो भी फाइनल डिसीजन होगा, बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। बट यहां पर मैं अग्रेसिव होकर भी इस आईपीओ को क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूं वो आपको पता लग जाएगा। बट हाँ, एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा आईपीओ है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, जिसे मैं स्टडी जरूर करना चाहूंगा। अप्लाई करना या ना करना वो एट द फाइनल हो ही जाएगा। तो अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम से क्लियर है, आप सभी को पता लग ही चुका होगा, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में, और ये एक प्रोडक्शन कंपनी होने वाली है जो प्रोड्यूस करती है हिंदी एंड पंजाबी फिल्म। आप लोगों ने देखी भी होगी चार साहिबजादे, जो एक बेस्ट एनिमेटेड मूवी थी पंजाब की, जो स्पेशली पंजाबियों के तो सभी दिलों पर राज कर ही रही है, और आज के टाइम पर भी उस मूवी की अहमियत कम नहीं हुई है और ना ही आने वाले टाइम में कभी कम होने वाली है। और उसी के साथ साथ लव स्टोरी 2050, क्यामत एंड बुकाल जैसी मूवीज, आल्सो द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग मूवी राइट्स, मतलब कि ये परचेज करती है राइट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल करती है देम टू एक्सिबिटर्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। उसी के साथ साथ जून 2023 में कंपनी ने 22 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जिनमें 6 फिल्म इन प्रोडक्शन एंड 7 इन प्री प्रोडक्शन होने वाली है। ये कंपनी कंटेंट प्रोडक्शन हाउस होने वाली है जो फोकस करती है क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड कमर्शियल फिल्म। कंपनी का गोल क्या होता है, ताकि ये पुश कर सके बाउंड्रीज ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द फील्ड। एज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस प्रोसेस दे रिसर्च एंड डेवलप स्क्रिप्ट, produce content end to end and create intellectual property and monetize rights. In short, अगर मैं बात करूँ ना, सबसे important part जो ये sector है, जिस तरीके से grow कर रहा है, आने वाले time में किस तरीके से grow हो सकता है, उस वजह से मैं इस IPO में interested हूँ। सिर्फ एक वही reason था जिसकी वजह से मैं इस IPO में काफी ज्यादा interested हुआ हूँ। Company के अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने काफी ज्यादा diversified किया हुआ अपने areas को, जैसे कि digital film, वेब सीरीज, एनिमेशन फिल्म, पंजाबी फिल्म, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स एंड म्यूजिक वीडियोस। एज ऑफ जून 22, 2023 कंपनी के पास 16 फुल टाइम स्टाफ क्रॉस होने वाला है वेरियस डिपार्टमेंट। यहां पर हमें कंपनी की कुछ सेंस शो की हुई है, जैसे कि जो कंपनी के प्रमोटर है हरमन बवेजा, उनका 22 इयर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है इस इंडस्ट्री में, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स होने वाले हैं इंडस्ट्री, डाइवर्सिफाइड एंड ग्रोइंग कंटेंट लाइब्रेरी इनके पास अवेलेबल होने वाली है। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, कंपनी का काम एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम हटके होने वाला है, और आने वाले टाइम में ये कितना ग्रो कर सकता है ये आप लोगों को सभी को मालूम है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है 29th of January को, और उसी के साथ साथ क्लोज होगा 1st of February को, अलॉटमेंट होगी 2nd of February को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5th of February से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 5th of February को, लिस्टिंग डेट होने वाली टेंटेटिव 6th of February की। अदर डिटेल्स की बात करते तो फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर की, प्राइस बैंड 170 से ₹180 का, हमें तो अप्लाई करना है ₹180 बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। लोट साइज होगा 800 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 97.2 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 72 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग रहने वाला है ओएफएस 25.20 करोड़ का, जो एक इस कंपनी का फिर से हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है,
देखो जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो या आप लोग रेगुलरली हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो आप सभी को पता है कि जब भी SME IPO में कोई भी OFS आता है तो वहां पर मुझे पसंद नहीं आता वो OFS, स्पेशली SME IPO में। NSE के SME पर ये IPO लिस्ट होने वाला है और उसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड का होने वाला है 11% का, रिटेल में 42% का और HNI में 42% का। एक लोट 800 शेयर्स का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 रुपीस की। HNI में मिनिमम दो लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो हरजसपाल सिंह बवेजा, परमजीत हरजसपाल सिंह बवेजा, हरमन बवेजा एंड रोवेना बवेजा कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 32 करोड़ का जो इंक्रीज होते होते पहले दो क्वार्टर्स में 30 सितंबर 2023 तक पहुंच चुका है 42 करोड़ का, एक डिसेंट ग्रोइंग रेट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 19.5 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 40.96 करोड़ का, 2023 में 76.28 करोड़ का और 30 सितंबर 2023 तक 38.9 करोड़ का, काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 7.64 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ 2.75 करोड़ तक, बट उसके बाद फिर से अच्छा बाउंस देखने को मिला 2023 में 7.96 करोड़ का, 30 सितंबर 2023 में पहुंच चुका था 4.35 करोड़ का। जहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली है क्योंकि 2022 में हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब रीजन जो भी हो बट फिगर्स जो हमारे सामने हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। नेटवर्थ की बात करते तो 24.22 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 9.79 करोड़ का और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 8 करोड़ की। ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करूं जो इनकी जो टॉप लाइन है असेट वैल्यू की वो काफी जबरदस्त है, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है हमें इनकी बॉटम लाइन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, बाकी यहाँ पर हमें इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल में अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करूं बाकी कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कत देखने को मिली है जिसकी वजह से इतने अल्टीमेट नहीं बोलूंगा बट हाँ कोई कमी भी नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। अब अगर हम बात करते हैं आगे ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तो वहां पर इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो EPS है प्री IPO 5.52 की, पोस्ट IPO 4.232 की, काफी ज्यादा कम है। PE कंपनी का निकल कर आता है प्री IPO 32.59 का, पोस्ट IPO 41.62 का। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.12% की काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 52.55% की काफी अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर कंपनी का डेट होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40.12% की काफी अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 13.07 की अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ EPS एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है बट ओवरऑल में कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर शमेरो एंटरटेनमेंट जिसका PE 48 का, एरोस इंटरनेशनल जो नेगेटिव में है जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते, जी एंटरटेनमेंट जिसका PE की तो हम क्या ही बात करें 500 का, मुक्ता आर्ट्स जिसका PE 11.24 का, वेल्स फिल्म इंटरनेशनल जिसका PE 66.43% का। अगर हम कंपनी के GMP की बात करते हैं तो वहां पर हमें आज के टाइम पे 13% के करीब का GMP देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं जो मुझे इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है जिसकी वजह से मेरा जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ था, बिकॉज कंपनी चलो IPO सस्ता नहीं ला रही थी फिर भी हमें एक अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद होनी थी, बट जिस तरीके से जहां पर कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन की डिमांड करी है अपने फाइनेंशियल ईयर 2024 को देखते हुए, जो इन्होंने फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर रखी अपनी कंपनी की ग्रोइंग की, उस अकॉर्डिंग ये कंपनी हमसे डिमांड कर रही है और वैल्यूएशन वाइज ये IPO काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। मतलब कि कंपनी IPO सस्ता तो ला ही नहीं रही है बट ऐसा नहीं है कि कंपनी IPO महंगा भी नहीं ला रही है, मतलब कि कंपनी IPO बहुत ज्यादा महंगा ला रही है जिसकी वजह से मेरा इस IPO में इंटरेस्ट कम हुआ था। अगर अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है तो ऑन द प्रस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन मैं इस IPO को अप्लाई कर सकता हूँ बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर। बाय द वे यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।